सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके समक्ष फेज टू का प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। वर्ग खष्ट हिंदी व्याकरण से प्रथम प्रश्नोत्तर है, लिपि किसे कहते हैं, बोली और लिपि में क्या अंतर है। तो बच्चों, हम बताए हैं कि लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों एवं वर्णों को, हम वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब है बोली और लिपि में क्या अंतर है। तो बोली हम उसे कहते हैं जो स्थानीय सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है, जबकि ध्वनियों को लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। 5-10 किलोमीटर की दूरी में बोली में हल्का सा अंतर आ जाता है, जबकि लिपि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अवधि, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, मेवाड़ी, मैथिली, गढ़वाली आदि हिंदी की बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां क्या है। तो निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां हिंदी, संस्कृत और गुजराती की लिपि है देवनागरी, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, अंग्रेजी की लिपि है उर्दू, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, उर्दू की लिपि है फारसी और अरबी की लिपि है अरबी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण भाषा वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण हम पहले भी बताए हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, या वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे कहलंत, महलंत, अहलंत, पहलंत, सॉरी अहलंत नहीं पहलंत। अब है स्वर और व्यंजन, वर्ण के दो भेद हैं। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो स्वर और व्यंजन में निम्नलिखित अंतर है। स्वर स्वयं उच्चारित होता है, ये किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेता है। स्वर का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, यानी स्वर स्वतंत्र वर्ण है। स्वर की संख्या 11 है, जैसे अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ए ऐ ओ औ री इत्यादि। अब व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है और मुख से निकलने वाली वायु कहीं ना कहीं रुककर बाहर निकलती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। बिना स्वर के व्यंजन लिखा तो जा सकता है, किंतु उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। जैसे कहलंत, कहलंत, महलंत आदि व्यंजन के चार भेद हैं। व्यंजन के चार भेद हैं, अंतस्थ, उष्म, स्पर्श, संयुक्त और व्यंजन की संख्या 33 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। तो दो व्यंजनों के मेल से बनने वाली संयुक्त व्यंजन कहलाती है, बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र, ये चारों व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब अक्षर को हम कैसे तोड़ेंगे, यदि इसको हम वर्ण विच्छेद करने आपको देंगे तो इसको आप कैसे तोड़ेंगे, क्षत्रिय। अब छ अक्षर कैसे बनेगा, तो कहलंत, मूर्धंत, सहलंत, ज, अ बराबर क्या हो गया, अक्षर। अक्षर से अब हम क्षत्रिय, ये शब्द क्षत्रिय है। त्र का कैसे बनाएंगे, कैसे इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे, तो तहलंत जोर रहलंत जोर अ बराबर क्या हो गया, त्र, त्र से त्रिभुज। अब ज को हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, जहलंत यहलंत जोर य बराबर ज, ज से ज्ञान। अब स्र को हम कैसे तोड़ेंगे, तो ताल स्वलंत जोर रहलंत जोर अ बराबर स्र, स्र से श्रमिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि य र ल व कौन सा व्यंजन है, तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के चार भेद हैं, उस
तो य और ल और ये चार वर्ण जो है ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर स्पष्ट करें। तो अनुस्वार हम किसको कहते हैं? इसके उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है। यह केवल पांच व्यंजन वर्णों का प्रतीक है, जैसे अंतर और नत संयुक्त र बराबर अंतर संबंध स मत ब संयुक्त स मत ब संयुक्त नध संयुक्त बराबर संबंध स्वानुस्वार वानुस्वार ध संबंध। अनुस्वार को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। अब है अनुनासिक। जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होती है होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में वायु एवं नाक एवं मुख दोनों से निकलती है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे चांद, च आकार ऊपर चांद बिंदु, द चांद बिंदु से बनने वाले जितने शब्द होंगे वो अनुनासिक कहलाते हैं। कहां आंगन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। ये पहला क्वेश्चन का इतना कहा गगर न च, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही ये पांच छेद दिए थे। अब दूसरा क्वेश्चन है बिना विचारे जो करे सो पीछे पड़ता है। शीर्षक के आधार पर एक कहानी लिखे। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि एक ब्राह्मण नेवला पालता था। ब्राह्मण एक दिन किसी काम से बाजार गया, पत्नी भी नदी में पानी भरने गई, तो उसका एक छोटा बच्चा था जो नेवला पर छोड़कर गई। इतने में एक बड़ा सा अजगर आया और वो नेवला से नेवला देख लिया, वो बच्चे के पास जा रहा था। नेवला और सांप में भयंकर युद्ध हुआ, नेवला ने सांप को मार दिया, बच्चे को बचा लिया। ब्राह्मणी जब आई पानी लेकर तो वो देखी कि खून से लथपथ नेवला का मुख था। ब्राह्मणी बिना सोचे पानी का घड़ा उस पर मार दी, नेवला मर गया। इसलिए कहा गया है बच्चों कि कोई भी काम विचार कर ही करना चाहिए, बिना विचारे नहीं करना चाहिए, पीछे। तो बच्चों ब्राह्मणी जब आई तो उसने देखा कि नेवला के मुख में खून लगा है, तो वो नेवला पर ही घड़ा मार दी। जब वो अंदर गई तो देखी कि बच्चा सोया हुआ है, तब उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसका बच्चा तो सुरक्षित है, नेवला ने सांप को मारा था। इसलिए बच्चों बिना विचारे हुए कोई काम नहीं करना चाहिए, ये हमें शिक्षा मिलती है इस कहानी से। अब है निम्नलिखित विषयों पर 80 या 100 शब्दों में आप एक अनुच्छेद लिखें। काल करे सो आज कर। तो बच्चों कोई भी काम जो कल करना हो उसे आज ही करना चाहिए, क्योंकि कल पल में क्या हो जाता है ये कोई नहीं जानता है। रावण बहुत बड़ा विद्वान और बहुत बलवान था, लेकिन उसने हर काम आज का कल पर ही छोड़ देता था। जब लक्ष्मण रावण से शिक्षा लेने गया तो रावण ने कहा, देखो मेरे लिए कोई काम असंभव नहीं था, मैंने जीवन में 3 संकल्प किया था कि आकाश में सीढ़ी लगाऊंगा, नदी के पानी को